मम्मी पापा देखो पानी भर रहे हैं। मम्मी पानी भर रही हैं, पापा बैठे ब्रेकफास्ट करने को, और देख लो 9:45 बज रहे हैं। ये देखो पापा अभी सो के उठ के आए हैं और अभी आते ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं, मूली के पराठे। आज हमारी टंकी खत्म हो गई थी, आज हमारे बर्तन नहीं धोए, आज हम नहाए नहीं, आज हमने मुंह हाथ नहीं धोए। अभी अभी लाइट आई है, जब नाक लटक रही है दिन लंबी हो, हवा लग रही है ना, नाक आ रही है मेरी। और देखो पिताजी को देखो, पिताजी के पास जनरेटर है और हमें देने से मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो हम अब लोग नहा लेते। आज हमारा रेलिंग आएगी। आज हमारा रेलिंग लगेगी। मम्मी रेलिंग थोड़ी होती है, रेलिंग होती है, मुझे भी क्या बुलवा रही हो। रेलिंग होती है, रेलिंग रेलिंग होती है। आंचल गुन्ना मिस कॉल, आंचल गुन्ना मिस कॉल, यस मैंने फोन किया था। खाना खा लो, नाश्ता कर लो। आज मम्मी ने बनाया मूली के पराठे। ये झूठ बोल रहा है टंकी वाली, ये झूठ बोल रहा है, टंकी भरती भी ना नहीं, क्या देवे थोड़ा ही चौरा हो। नहीं हुई जाए तो पाइप नीचे कोई जाओ, पाइप तो ऊपर से तो पानी गिरेगा टंकी में। अब देखो मैं तेल लगवा रही हूँ मम्मी से सिर में। कहाँ हो मम्मी, मेरे तेल लगाएंगी भाई। गाजर का है, मूली का है, मिर्च का है। लड्डू गोपाल नहा लिए, कोई नहीं नहाया, लड्डू गोपाल नहाए बस। हेलो गाइस, संतरे खा लो। मम्मी ब्रेकफास्ट में जूस बना लिया करो ना संतरे का। बनाया था इतने सारे संतरों का, इतना तो जूस लिख रहा है। 1 किलो संतरों का 2 गिलास आयो ना, अच्छा है तो खट्टा, कल वाला अच्छा था। सूख सा भी है तो। और दिन में एक दिन आता हूँ मैं। मतलब रस्ता ही नहीं निकलता। बेकार है। पापा जी मैंने आपसे मौसमी मंगाई थी एक दिन, आप लाए नहीं थे परसों। 100 रुपये में आज कल आओगे? कैसे कोई ही नहीं, कैसे नहीं चला गया, मैं चढ़वा लेगी रेली में। मुझे तो रहना नहीं, थोड़ी सी गिरेगी तू, गिरेगी तू, अपने क्यों ज्यादा चढ़े पाए उधर। गिर जाऊंगी आराम बटेगी, चुपका बैठ जाऊंगी। अरे मर तो ना है, हाथ पर टूटेंगे तो हारूंगी, तो हाथ तो ठीक रहूंगी। नहीं क्या बोल, टूटते हाथ ही पकड़ यार, ये सब हो गया। मुझे तो और भूखा चढ़ा करता है, पैसे करना रहती तो नहीं तो ठीक रहूंगी, सांस उसमें नहीं तो गया, मेरे कुछ गया। अभी हो रही है लंच की तैयारी, दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। कौन आया? कोई भी नहीं आया, हवा है। तो दोपहर का लंच बन रहा है। आज हमारा सारा काम लेट लेट हुआ क्योंकि पानी खत्म हो गया था और लाइट थोड़ा लेट आई थी, तो इसलिए अभी तक ना मैं नहाई भी नहीं हुआ ना, मैं रोज़ जल्दी नहा लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद नहा लूँगी। और मैंने ऑयलिंग भी कराई थी, मम्मी से तेल लगवाया था सर में, तो हेयर वॉश भी करना था, तो मैं एक साथ ही धो लूँगी सर्दी और सभी नहा लूँगी। और देखो आलू गाजर बना रही हूँ मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर। एंड ये वाला चॉपिंग बोर्ड मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, किसी को खरीदना है तो लिंक दे दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्राइस था इसका 200 रुपीज एंड ये काफ़ी अच्छा है, अब इसको टांग भी सकते हो यहाँ से। एंड इसके ऊपर ना स्क्रैच भी नहीं पड़ते बिल्कुल भी, चाकू के निशान नहीं पड़ते। और ये मेरी प्याज यहाँ पे भुन गई, मैं इसमें डाल देती हूँ, कैमरा रखती हूँ यहाँ पे, पता नहीं मैं दिख रही हूँ या नहीं।
देखो हमारी टोकरी ना मल्टीपर्पज़ है, हम ना इसमें इसमें ना सब्जी धो के भी रखते हैं। और ये देखो ये सेल्फ एडेसिव हुक्स हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और ये अपने आप चिपक जाते हैं और इन पे आप सामान टांग सकते हो। मैंने इस पे छोटा वाला वाइपर टांगा है और मैंने यहाँ पे भी लगाए हैं दो, ये देखो मैंने काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वेट हैंडल कर लेते हैं अप टू 1 kg। पापा आए हैं, पापा लाए खाने के सामान, दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं पापा। मेरे मुंह पे ना बहुत सारे पिंपल निकल गए, इधर एक इधर है, समझ में नहीं आ रहा क्यों निकल रहे हैं, शायद बाहर का खाना खाने की वजह से निकल रहे हैं इतने सारे। बाहर का मौसम कैसा है, धूप निकल रही है आज, रोज ही निकलती है वैसे तो, पर ठंड बहुत हो रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी मुझे हेयर वॉश करना है, फिर मैं धूप में बैठूंगी थोड़ी देर मम्मी के साथ। बंदर आ जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे बंदर आते हैं हमारे यहाँ, फिर हमें बम छोड़ने पड़ते हैं, फिर वो भागते हैं। कर्टेन लगा लेती हूँ, बहुत हवा रही है। सब्जी बन रही है, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। पापा लाए केले और मौसमी, देखो फेस पे पता नहीं क्या हो रहा है, खुजली भी लगती है और पिंपल में। तो मैंने ना कुछ सामान मंगाए थे पिंपल्स के लिए, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं वही मैं यूज कर रही हूँ। एक तो मैंने लिया है सिटाफिल का क्लेंजर और सिंपल का मॉइस्चराइजर, एक मैंने लिया था मिनिमलिस्ट का नाइसिनेमाइड सीरम, सीरम भी ऑर्डर किया था मैंने, वो भी आया नहीं है, आ जाएगा, उसको भी यूज करना शुरू करूंगी। ये असर तो कर रहा है सामान, मतलब जो भी मैंने यूज कर रही हूँ, पर धीरे धीरे असर कर रहा है। वही चीजें अच्छी होती है जो धीरे धीरे असर करती है। तो दिखाती हूँ आपको, काफी खराब हो गया था मुंह मेरा, पता नहीं क्यों पिंपल मेरे को इतने होते हैं। ऐड नहीं है कोई भी, जस्ट ऐसी बता रही हूँ, अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो यूज कर ले, किसी को हेल्प हो जाए तो अच्छा ही है। देखो ये है सिंपल का मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर है और कोई इसमें कलर नहीं है, परफ्यूम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है एंड नॉन कॉमेडोजेनिक है, ये आपके पोर्स को ये क्लॉग नहीं करेगा। और क्लिंजर दिखाऊं अपना, कपड़े भी धोने हैं मुझे भी, ठंड बहुत लगती है बाथरूम में आती, कपड़े धोने का मन नहीं करता। देखो ये है क्लेंजर, सिटाफिल का क्लेंजर है एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स लिखा है, बट मेनली ऑयली स्किन के लिए है। मेरी स्किन ना ऑयली भी है और यहाँ से थोड़ी ड्राई भी है यहाँ से, तो मुझे हाइड्रेशन भी काफ़ी चाहिए होता है। तो 125 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है और ये आया था 300 रुपये का, और मेरा मॉइस्चराइजर आया था ये आया था 430 रुपये का। 3-3 साल की इनकी शेल्फ लाइफ होती है एंड अभी तक तो मुझे मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, नए पिंपल नहीं आए जब से मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया है, पुराने भी ठीक हो रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मेरी सब्जी बन गई। तो अगर आपको भी एक्ने की प्रॉब्लम हो रही तो एक बार ट्राई करके देख लेना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ पिंपल 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 से। मम्मी पापा भी डांटते रहते हैं, कैसा मुँह हो गया तेरा, पता नहीं कैसे ही हो गया, क्या ही हो रहा है। एंड तो मैंने सोचा था अगर ये चीज़ भी मतलब काम नहीं करी ना, अगर ये चीज़ भी दोनों काम नहीं करा फेस पे, ठीक नहीं हुए पिंपल, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी एंड एक चीज़ दिखाऊं। देखो